करना भी था, कई स्टूडेंट्स वहां भी चले गए, तब आप लोग बोलते थे कि हाँ सर यहाँ मेरे पास सेशन नहीं है, इतने ही बच्चे शो कर, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, वो भी एक दिक्कत है। ठीक है, अगर आपने एडिटिंग करनी है, एडिट के ऑप्शन सबसे ऊपर है, बच्चे की डिटेल में कोई भी एडिटिंग करनी है आप यहां से एडिट कर सकते हो। रिजल्ट अपलोड करें उसका, थ्योरी के मार्क्स अलग है, प्रैक्टिकल मार्क्स है, आईएन ने उसमें सब कुछ डाला हुआ है, टोटल लोग खुद दिखा देगा, आगे पास के लोग खुद शो कर देगा। ठीक है, हिस्ट्री में आप लोग क्या चेक कर सकते हो, उसकी जो भी डिटेल मैंने अभी रिपोर्ट्स की बात करी, तो हिस्ट्री में आप लोग वो चीज चेक कर सकते हो, क्या मीन क्या क्या डिटेल हमने फिलअप करी है, कितनी बार उसको एडिट करा है, वो आपके किस में जाएगा, हिस्ट्री। क्लियर, कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट क्या है, एडिट स्टूडेंट डिटेल्स। मैंने अभी भी बात करी, एडिट में जाके आप लोग उसकी जो भी डिटेल है आप उसको एडिट कर सकते हो, लेकिन जब वहां से हम उसको एक्टिव या डीएक्टिव कर देंगे, डीएक्टिव जब हो जाएगा वो, तो आप कोई भी पर्टिकुलर उसके फिल नहीं कर रहे हैं, बस जल्दी सर 15-20 अगस्त तक मत करना डीएक्टिव, क्योंकि ऐसे बच्चे आए। आप लोगों ने 9th क्लास जो आपके पास आई है वो आपने डिटेल फिलअप करनी स्टार्ट कर दी है ना, किसने कर दी, कुछ ने नहीं, तो आप करते रहे उस चीज को। कई बार ऐसा होता है ना सर कि जून मंथ में बच्चे कहीं आ भी जाते हैं, कहीं चले भी जाते हैं, छुट्टियों के बाद ये हो जाता है कि पक्का हो जाता है कि हाँ अब बच्चा ही नहीं। थ्योरी में से कितने हैं, मार्क्स ऑब्टेंड आपके इंटरनल असेसमेंट कितनी आपने दी है, ठीक है, मार्क्स ऑब्टेंडिंग एक्सटर्नल प्रैक्टिकल असेसमेंट जो एसएससी ने करवाई वो कितने आपको दी है, वो केस तो सिर्फ 10th और प्लस 2 के, 9th और प्लस 1 तो आप लोग खुद ले रहे हो, इंटरनली चल रहा है ना दो चीज, उसके बाद यहाँ पे खुद वो पास और फेल शो कर जाएगा, टोटल जब उसको दिखाए दो चीजें यहाँ पे शो होंगी, पास और फेल। हाँ जी, ठीक है, उसमें जब आप अपडेट मार्क्स करेंगे वो डिटेल आपको शो कर जाए, पर लास्ट में तो आप उसके बाद उसको प्रमोट कर सकते हो। कोई क्वेरी है मैम तो मेरे से पूछ ले, उसकी जो मैक्सिमम डिटेल है वो हो चुकी होती है वापस, जैसे मान लो हम एडिट पर गए, हमने उसकी डिटेल देखी और बैक कर दिया उसको, मतलब एडिट नहीं किया मैं ना ही उसको अपडेट किया, क्योंकि वो ऑलरेडी अपडेटेड है, पर अगर उसको दोबारा से बोलेंगे ना आप तो उसकी आगे डिटेल निकल के होती है, जैसे कि ईमेल आईडी और काफी सारी 3-4 मतलब ऐसे उसमें है ढूंढना पड़ेगा मतलब हम उसी पर्टिकुलर लेवल में रहे ना, बैक ऑप्शन नहीं है मतलब बैक के पीछे